नमस्कार, मैं हूं हिमांशु कुमार, फ्यूचर ऑफ इंडिया, और आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी पिछले सप्ताह में जब मैंने बीसी जी शेयर के ऊपर वीडियो बनाया था, तो आपको बताया था कि इसी सप्ताह के लास्ट में बीसी जी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, और ऐसा उम्मीद है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला हो। और रिजल्ट आ भी गया है तथा काफ़ी शानदार रिजल्ट आया है। देखिए, जब किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने वाले होते हैं ना, तो उसके शेयर प्राइस में कुछ पहले से ही अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलता है, तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि इनसाइडर्स को पता होता है कि रिजल्ट कैसा आने वाला होता है। उसी के बेसिस पर ये गणित बैठाया जाता है कि किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। पहले रिजल्ट जान लेते हैं, उसके बाद इसके आगे की गणित पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है, यानी जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है, इसमें बीसीजी कंपनी के जो टोटल कमाई हुई है वो हुई है 1683 करोड़ रुपये, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर वन में थी सिर्फ 1480 करोड़ रुपया। और यदि पिछले साल के क्वार्टर टू के कमाई की बात करें, तो उस समय इसको सिर्फ 1104 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। यानी कि देखें तो सालाना स्तर पर कंपनी की जो टोटल कमाई बढ़ी है, तकरीबन 52% का जंप उसमें देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पर जो इसकी कमाई बढ़ी है वो तकरीबन 14% के आसपास बढ़ी है। तो सालाना स्तर पर भी, क्वार्टरली स्तर पर भी इसका इनकम बढ़ा है, ये अच्छी बात है। अब यदि खर्चे की बात करें, तो इस क्वार्टर में जो बीसीजी ने अपने अलग अलग कार्यों पर टोटल रुपये खर्च किए हैं, वो किए हैं 1173 करोड़ रुपया, जो कि पिछले क्वार्टर में यह था सिर्फ 1025 करोड़ रुपया। और साल भर पहले के क्वार्टर टू की बात करें, तो उसमें बीसीजी ने जो टोटल खर्चा किया था सिर्फ 754 करोड़ रुपये। यानी कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे कंपनी की कमाई बढ़ रही है, खर्चे भी उसी तरह बढ़ रहे हैं। और खर्चे अगर कमाई नहीं भी बढ़ती, फिर भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, और भारत के अलावा भी दूसरे देशों में इस कंपनी के ऑफिस हैं, वहाँ पर इसके ब्रांचेज हैं, और महंगाई बढ़ रही है तो खर्चे बढ़ने लाजमी हैं। यदि प्रॉफिट की बात करें, इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो टोटल प्रॉफिट इस बार इसको 321 करोड़ रुपये का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे क्वार्टर वन में तो सिर्फ 277 करोड़ रुपये था। और साल भर पहले की जब क्वार्टर टू की बात करते हैं हम, तो उस समय जो टोटल कंपनी की प्रॉफिट हुई थी, शुद्ध प्रॉफिट, वो हुआ था 212 करोड़ रुपये। यानी कि सालाना स्तर पर भी और क्वार्टरली स्तर पर भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। तो जब कंपनी का इनकम बढ़ा है और प्रॉफिट बढ़ा है, तो अर्निंग पर शेयर में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। इस बार जो अर्निंग पर शेयर बढ़कर इसका हो गया, वो हुआ है 1.59 रुपया, तकरीबन 1.60 रुपये के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर बढ़कर हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो सिर्फ 1.37 रुपया था, और साल भर पहले के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो यह था 1.22 रुपया। अब इसके बेसिस पर आप देख सकते हैं, जब रिजल्ट अच्छा आया है, तो आज के दिन इसके शेयर प्राइस में अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिला, तकरीबन 7% के आसपास तेजी देखने को मिली है, और शेयर प्राइस 37-38 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। जबकि मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, तो उस समय इसका शेयर प्राइस 32-33 रुपये के आसपास ही चल रहा था। अब ये तेजी यदि बरकरार रहती है, तो शेयर का प्राइस 50 रुपये के आसपास जाती हुई दिख सकता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और ये मैं सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसमें कंपनी के इनकम और प्रॉफिट बढ़ गए, इस बेसिस पर नहीं कर रहा हूँ। इस इनकम और प्रॉफिट बढ़ा ये तो इसमें इंक्लूड है ही, लेकिन यह भी देखना होगा कि इनकम बढ़ा किस सोर्स से है। इनकम अदर इनकम से नहीं बढ़ा है कंपनी का, ये इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मेन बिजनेस है कंपनी का, उससे इसका इनकम बढ़ा है, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ये पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 465 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 510 करोड़ हो गया है। यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस से कमाई होता है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी का इनकम और प्रॉफिट साथ साथ बढ़ते हुए दिख रहा है। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो 31% था पिछले क्वार्टर में, इस बार थोड़ा कम होकर 30% रह गया है। हालांकि हमें यह देखना होगा कि इसमें अच्छे से इस कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा हुआ है। 1% गिरना कोई मायने नहीं रखता है, 1% गिरना या 1% बढ़ना अगले क्वार्टर में हो सकता है, तो 3% बढ़ जाए तो जितना भी गिरा हुआ है सब बराबर हो जाएगा। एक शानदार बात यह है कि कंपनी में जो विदेशी निवेशक होते हैं, जिसको FII कहते हैं, उनकी हिस्सेदारी लगातार धीरे धीरे इस स्टॉक में बढ़ती हुई जा रही है। पिछले साल के जब सेम क्वार्टर की हम बात करते हैं, तो उस समय जहां FII की हिस्सेदारी इस स्टॉक में सिर्फ 0.38% के आसपास थी, वो पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर वन में बढ़कर 13.50 के आसपास हो गई थी। लगभग 13.5% पिछले क्वार्टर में थे, और अभी जब सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आया है, तो इसमें जो विदेशी निवेशक बढ़कर हो गए हैं, वो लगभग 14% के आसपास बढ़ गए हैं। जब किसी स्टॉक में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ने लगती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस स्टॉक में तेजी आने वाली है, क्योंकि विदेशी निवेशक जो होते हैं, जो फंड मैनेजर उनके होते हैं, काफ़ी उनके पास दूरदर्शी नज़र होती है। वो किसी स्टॉक को अच्छे से जांच परख करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनके इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। और एहसास से नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले कई वर्षों से ऐसा होते हुए आ रहा है। साथ में स्टॉक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी तकरीबन 18% के आसपास है, जो कि ठीक है। ओवरऑल बात करें तो बीसीजी के फंडामेंटल मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, और जो इस कंपनी का काम करने का तरीका है, जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है, उसका फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है इस कंपनी में। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट है, तो बेशक निकलने की जरूरत नहीं है, बने रहिए, समय दीजिए। नया व्यक्ति है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की कंपनियां जो है, जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, अपडेट आपको पसंद आई होगी। मन में कोई भी सवाल है, आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो
कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।